हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मटर पनीर बनाने चल रहे हैं। तो हमने हरी मटर लिया है छील के और ये पनीर है। तो देखिए कच्ची मटर है, इसको उबालेंगे हम। एक हम पैन लेते हैं, उसमें एक गिलास पानी डाल के रख दे रहे हैं मटर को उबलने के लिए। और इधर हम पनीर काट लेते हैं, तो हम बराबर साइज़ में पनीर को काट ले रहे हैं। इस तरीके से देखिए हम बराबर साइज़ में पनीर को काट लिए हैं अच्छी तरीके से। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तो पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है। दो चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। अब पनीर हम इसमें डाल के लो गैस कर दिए हैं ताकि जले ना। इसको हम बराबर से चला दे रहे हैं ताकि ये बराबर से चारों तरफ से फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए मटर एक तरफ हमारी पक रही है। ये कच्ची मटर थी तो पकने के लिए हमने रखा था। ये पनीर हमारी देखिए इस तरीके से फ्राई हो रही है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। पनीर अच्छी तरीके से चारों तरफ पक गई है हल्का सा। इधर मटर भी बॉयल हो गई है। देखिए ये मटर को भी हम फ्राई कर ले रहे हैं हल्का सा। इसको हम बराबर चला के ये भी फ्राई कर ले रहे हैं। ये पनीर मटर हम दोनों रख ले रहे हैं इस तरीके से फ्राई करके। देखिए इसमें पनीर में डालने के लिए दो हम टमाटर लिए हैं, लहसुन, अदरक, हरा मिर्च और दो प्याज। इन सभी चीज़ों को हम काट लिए हैं। इधर हम पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है। दो तीन चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और ये प्याज देखिए इस तरीके से मोटी मोटी पीस में हम काट के इसमें डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, ये सभी चीज़ें हम अच्छे से पका लेंगे। अभी इसमें डालने हरा मिर्च। और टमाटर डालेंगे। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से बराबर से पका ले रहे हैं चला के। इसमें एक चम्मच हम जीरा डाल रहे हैं खड़ा। ये देखिए सभी चीज़ों को हम बराबर चला ले रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मूंगफली थोड़ा सा। इसका हम ग्रेवी बनाएंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे। ये हलवाई स्टाइल में पनीर बनाएंगे तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। इसमें हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं तब सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएँ। ये सभी चीज़ें पक गई हैं तो इसको मिक्सी जार में हम पीस लेते हैं। ये देखिए पीस लिए हैं, ये ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम पनीर बनाएंगे। तो पनीर बनाने के लिए हमने पैन रख दिया है, गरम हो रहा है। सरसों का तेल डाल रहे हैं, दो तेज पत्ता, दो छोटी इलायची, दालचीनी और दो लौंग, आधा चम्मच जीरा। तड़के के लिए खड़ा मसाला हमने ऐड कर दिया है इसमें। ये अच्छी तरीके से देखिए पक गया है मसाला हमारा खड़ा। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कटा हुआ। इसको हम चला दे रहे हैं ताकि बराबर से ये पक जाए। ये हमने गरम मसाला लिया है, पीस लिया है, तो लगभग एक चम्मच है बड़ा चम्मच से। और इस तरफ हम लिया है पनीर मसाला दो चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मिर्चा नहीं डालेंगे, बच्चे तीखा नहीं खाते तो मिर्चा हमने खड़ा ही डाल दिया था। मिर्चा पाउडर भी ले सकते हैं। ये हमने काजू पीस के रख लिया है। हम मसाला में पानी हल्का से डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। ये देखिए
इस तरीके से इसका हम घोल तैयार कर लिए हैं। अब अच्छी तरीके से प्याज हो गया है तो इसको हम डाल दे रहे हैं मसाला। मसाला हम चला दे रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए इसमें हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा मसाले में, तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें हम ग्रेवी डाल रहे हैं जो तैयार करके रखे हुए हैं। ये ग्रेवी भी लगभग 3-4 मिनट हम पका लिए थे, तो इसमें अब हम पनीर और मटर डाल दिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम पूरा दिखा नहीं पा रहे हैं। देखिए इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो मिक्सी जार में हम पानी डाल के डाल रहे हैं। जो ग्रेवी लगा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा भी हमको पानी और डालना है, ये बहुत सूखा अभी पकेगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे रहे हैं। ये रख दे रहे हैं अच्छे से पकने के लिए। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं काजू पिसा हुआ, हरी धनिया। ये देखिए हमारी पनीर जो है हलवाई स्टाइल में बन के रेडी हो रही है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पनीर हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक